तो क्या आप इस तरह से आलू वाली खस्ता कचौड़ी बनाना चाहेंगे, वो भी घर में? तो चलिए जल्दी से मैं बताती हूँ ये कैसा बनता है, देख लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरुआत करते हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है तो बहुत ही नज़दीक है रमज़ान का महीना भी, और रमज़ान के महीने में इफ्तारी को तो बहुत ही लजीज खाने बनते हैं। तो इस लजीज खानों में से आलू कचौड़ी, उसके साथ जो खाया जाने वाला आलू का सालन बनाऊंगी। तो चलिए यहाँ पे मैंने एक बारात लिया है और एक कप मैदा शामिल करूंगी, और इसमें यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घी लिया है, और इसको हल्का सा हम लोग इसको गर्म कर लेंगे। तब तक हम आटे में 1/2 चम्मच नमक शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें हल्का सा पिघला हुआ घी शामिल करेंगे। आपके पास घी नहीं है तो आप तेल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन घी शामिल करने से जो कचौड़ी है ना बहुत ही खस्ता बनेगी। तो फिर इसको शामिल करके इसको अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर याद रखिए, मोइन जो आटा का लगाएंगे वो परफेक्ट आटे का मोइन होना चाहिए, क्योंकि अगर आटा का मोइन अच्छा होगा तो आपकी खस्ता कचौड़ी भी बहुत ही खस्ता बनेगी और बहुत ही समय तक वो कुरकुरी रहेंगी। तो इसके लिए हम लोग को बड़ा पेशेंस से रह के इसको आटे को हम लोग अच्छी तरह से मोइन करेंगे, आटे के हर एक एक कण में हमारा घी समा जाए। तो इस तरह से हमने आटे का मोइन लगा लिया है। किस तरह से आप जानेंगे कि आटा का मोइन ठीक लगा है? जब आप आटे को पकड़ेंगे इस तरह से मुट्ठी बांधेंगे तो हमारा मुट्ठी एक अच्छी तरह से बंध जाएगा आटा। उंगली डाल के फोड़ेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा आटा खिल के बिखर जाएगा। तो ये हमारा आटे का मोइन का पहली निशानी है। तो फिर इस तरह से हमारा आटा का मोइन लग चुका है, तो अब इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम लोग आटे को गूंद लेंगे, ना ज़्यादा सख्त करेंगे ना ज़्यादा नरम करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी ढलाई करेंगे, जो बहुत ही ज़रूरी है। जब हम लोग एक खस्ता कचौड़ी घर में बनाएंगे तो आटे की मालिश करेंगे, क्योंकि जब तक हम आटे की मालिश नहीं करेंगे हमारा जो कचौड़ी है ना वो खस्ता नहीं बनेगा। लगभग यहाँ मैंने 5 से 6 मिनट के लिए आटे को मालिश की हूँ। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो लगभग 4 से 5 मिनट तो आपको मालिश करना ही होगा। इस तरह से मैं मालिश करके मैं आटे को दिखाऊंगी, देखिए हमारा आटा कितना लचक हो गया है। और इसको एक सार करके मैं क्या करूँगी, इसको बारात में रख दूँगी और इस पर गीला आटा का कपड़े से ढककर, इसे ऊपर से एक प्लेट ढककर इसको साइड में हम रख लेते हैं। तो चलिए इसके अंदर का हम आलू बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को उबाल लिया है और इस आलू को अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया है, इसको एक साइड में रख लेंगे। अब हम एक सूखे मसाले बनाएंगे जो आलू के चटनी के लिए भी काम आएगा, कचौड़ी के साथ जो आलू की जो करी बनती है उसके लिए भी काम आएगा। तो इसके लिए हमने एक हेमदस्ता लिया है और इसमें 2 चम्मच में यहाँ पर भुनी हुई साबुत धनिया शामिल करूंगी, और 1.5 चम्मच भुना हुआ जीरा शामिल करूंगी, 1.5 चम्मच सौंफ शामिल करेंगे, 1/2 चम्मच यहाँ पे साबुत काली मिर्ची शामिल करूंगी, और 1/2 चम्मच नमक शामिल करूंगी, और इसको अच्छे तरह से हम दरदरा पीसेंगे। इसकी पिसाई हम बारीक नहीं करेंगे, अगर बारीक पिसाई हो जाएगी तो कचौड़ी के आलू की फीलिंग में वो स्वाद नहीं आएगा, और जो कचौड़ी की हम करी बनाएंगे उसमें भी स्वाद नहीं आएगा। तो इसलिए हम इसका ध्यान रखते हुए हम इसको दरदरा पीसेंगे। तो चलिए इसको एक साइड में रख लेते हैं। अब हम गैस ऑन करेंगे, एक पैन बिठाएंगे। अब इसमें 6 चम्मच में तेल शामिल करूंगी। तो पहले हम कचौड़ी की आलू की करी बना लेते हैं। तक तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तब इसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच जीरा शामिल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और इसको भी इसमें शामिल करूंगी, और 1 मिर्ची को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको भी इसमें शामिल करूंगी, और इसको अच्छी तरह से धीमी आंच में हम इसको 1 से 1/2 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। जब ये मसाले की खुशबू आने लगेगी धीमी सी, तब इसमें शामिल करेंगे हम 2 सूखे लाल मिर्ची, और इसको भी डाल के 1/2 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे। इसके बाद हम शामिल करेंगे, हमने जो निकूट के मसाला रखा था उसको यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसमें शामिल करूंगी, और इस डाल के इसको अच्छे तरह से 1 मिनट के लिए भुनाई करेंगे। हल्की सी जब इसमें खुशबू आने लगेगी तब इसमें 1/2 चम्मच में हींग शामिल करूंगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर शामिल करेंगे, और इसको अच्छे तरह से भून लेंगे। मैंने अपना बर्नर को लो में रखा है और इसको हल्के आंच में ही भूनना चाहिए, नहीं तो हमारा मसाला जल जाएगा। 1/2 मिनट तक हम अपने मसाला भून लेंगे। अब इसमें हम
पानी शामिल नहीं कर, लगभग ये आधा कप पानी शामिल करूंगी और इसको डाल के अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। देखिए थोड़ी देर इसे बॉयल होने के लिए छोड़ दूंगी। जब इसमें हल्का सा और ऑयल आने लगा तब इसमें शामिल करेंगे हमारे 2 मीडियम साइज के टमाटरों को, मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और इसको इसमें शामिल करूंगी और इसमें स्वाद अनुसार नमक शामिल करेंगे और इसको एक बार अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे और ढककर इसे टमाटर गलने तक पकाएंगे। अब हम टमाटर अच्छे तरह से गल चुके हैं तो इसको अच्छे तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। देखिए अब हमने जो बॉयल किया था आलू को, इसको हाथ से मैं मसल के डालूंगी। देखिए कुछ इस तरह से मैं हाथ से मसल के डालने का मतलब ये कि आलू में थोड़ा सा चटनी की तरह भी हो जाएगा, थोड़ा सा रफली हमारा आलू भी मिल जाएगा। और इस तरह से डालेंगे, दो मैंने पहले से ही और 2 आलू को मैश कर लिया था और उसको भी इसमें शामिल कर लूंगी। 1 चम्मच हम इसमें काला नमक शामिल करेंगे और यहाँ पे मैंने आधा गुड़ का टुकड़ा डाला है जो खट्टापन का बैलेंस कर सकेगा। तो फिर इसमें शामिल कर 1 चम्मच हम आमचूर पाउडर। अब इसमें एक हरी मिर्ची शामिल करेंगे, आप अपने हिसाब से तीखा आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसको डाल के अच्छे तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें लगभग 1 बड़ा कप गर्म पानी शामिल करूंगी, खौलता हुआ पानी है, और इसमें शामिल करके इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। जब इसमें एक बॉयल आने लगेगा तो इसको ढककर मैं लगभग 20 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकाऊंगी। तो 20 मिनट हो चुका है तो मैं आपके खोल के दिखाती हूँ। देखिए हमारा आलू की तरीके पर ऑयल भी आने लग चुका है। तब इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और यहाँ पे शामिल करूंगी 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और इसको अच्छे तरह से मसल के मैं इसमें करूंगी और इस पर से फ्रेश धनिया पत्ते भी शामिल करूंगी। इसको एक बार अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी और इसको ढककर हम एक साइड में रख देंगे। तो हमारा आलू की जो करी है वो ऑटोमेटिकली गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि आलू में स्टार्च रहता तो ऑटोमेटिकली वो गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको एक साइड में रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो कचौड़ी का जो आलू की फिलिंग उसे बनाएंगे। उसके लिए हम गैस ऑन करेंगे और एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 चम्मच तेल। तेल हल्का सा जब गर्म हो जाएगा तब इसमें शामिल करेंगे हम आधा इंच अदरक को कद्दूकस कर लिया है और 2 हरी मिर्ची को मैंने यहाँ पे बारीक चॉप कर लिया और इसको भी इसमें शामिल करके इसको हल्के से 1 से आधा मिनट के लिए सौटे करेंगे। जब इसमें हल्की सी खुशबू आने लगेगी तब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच हमने कुटा हुआ मसाला और इसको भी डाल के अच्छी तरह से आधे मिनट के लिए भून लेंगे। मेरा फ्लेम को मैंने लो में रखा है, लग रहा है कि मसाला जल जाएगा तो आप अपने फ्लेम को ऑफ भी कर सकते हैं। तो अब उस गर्म में वो पक जाएगा। तो अब इसमें हमने कद्दूकस किया हुआ आलू को मैं शामिल करूंगी, इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लूंगी। अब इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे, जैसे आधा चम्मच हल्दी पाउडर जाएगा, चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा, चम्मच आमचूर पाउडर जाएगा, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा शामिल किया है। ये ऑप्शनल है, डाल सकते हैं नहीं तो भी इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये अक्सर हलवाई डालते हैं, ये मैंने आपको सीक्रेट बताया है। तो इसको डाल के अच्छे तरह से हम मसाले को भुनाई करेंगे। आलू का जो मसाला है वो पूरी तरह से पानी सोख चुका है। तब इसमें मैं क्या करूंगी, आधा चम्मच कस्तूरी मेथी शामिल करूँ, उसको भी डाल के अच्छे तरह से मैं इसकी भुनाई करूंगी। देखिए अब हमारा आलू में लगभग सारा जो मॉइस्चर है वो खत्म हो चुका है। तब इसको गैस ऑफ कर एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठंडे होने के लिए एक साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम आटा देख लेते हैं। लगभग हमारा आटा आधा घंटा रेस्ट हो चुका है। तो अब इसको मैं अच्छे तरह से फिर से एक बार मसल लूंगी। देखिए कुछ इस तरह से मसल लूंगी। जब आटा हमारा रेस्ट नहीं करेगा तो भी आपकी कचौड़ी खस्ता नहीं बनेगी, याद रखिएगा। तो फिर इसके अंदर से आप अपने हिसाब से जितने बड़े छोटे बनाएंगे उस तरह से आप अपने आटे के पेड़े बना लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम साइज के पेड़े बनाई हूँ, लगभग ये 7 पेड़े बने हैं। तो फिर इसको अच्छे तरह से गोल कर लेंगे और इसको क्या करूँगी, देखिए इसका बनाने का भी एक प्रोसेस होता है। हम बीच में मोटा रख के चारों तरफ हम आटे को इस तरह से हाथों की उंगलियों से चिपक के एक छोटी सी रोटी बनाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से रोटी बनाया है और इसमें आप इससे थोड़ा छोटा आलू का मिश्रण लीजिए और हाथ से इस तरह से बॉल के आकार कर लीजिएगा और इसमें रख के आप चारों तरफ से इस तरह से आप कवर कर लीजिए आलू को, आलू के मिश्रण को। और देखिए इस तरह से करते करते हमारा एक छोटा आटा निकल जाएगा, उसको इस तरह से घुमाते हुए आप इसे निकल के बाहर रख दीजिए। बॉल बना लिया है तो मैं दूसरा भी दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम
चारों तरफ से हम पतले करेंगे, बीच का भाग को हम पतला नहीं करेंगे। अगर आप आटे को बीच का भाग पतला कर देंगे तो आपका कचौड़ी फटने का डर रहेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। इस तरह से हम चारों तरफ से करके फिर आलू का थोड़ा सा एक मिश्रण ले गोली बना लेंगे और इसके ऊपर रख के फिर से उंगली के सहायता से दबाते हुए हम इस तरह से कवर कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से कवर करने से हमारा जो कचौड़ी है ना वो फटेंगे नहीं, अच्छे तरह से सील हो जाएंगे। इस तरह से मैंने दूसरा भी बना के दिखा। इस तरह से हमने सारे बॉल बना लिए, कचौड़ी बना ली है। तो चलिए इसको एक साइड में रख लेते हैं। पहले से मैंने तेल को लो फ्लेम में गरम किया है। ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ना आपको ध्यान रखना चाहिए। ये अगर आप ध्यान रखेंगे ना आपकी कचौड़ी खस्ता भी बनेगी और बहुत वक्त तक भी कुरकुरे रहेंगी। कचौड़ी का पेड़ा लेंगे और इसको हथेली की सहायता से पहले बीच से दबाएंगे, उसको उंगलियों की सहायता से देखिए इस तरह से हम चारों तरफ से जो हमारा कचौड़ी के आटे को ध्यान से फैलाते हुए हथेली में प्रेस करते हुए इस तरह से हम करते जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह से मैंने फ्लैट कर लिया है। अब इसको क्या करूँगी, मैं तेल में डालूंगी। मैं एक दूसरा भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से तेल में डालूंगी। देखिए हल्का सा ही बुलबुले आ रहे हैं, तो हमारा ऑयल का जो टेम्परेचर परफेक्ट है। तो इस तरह से सारे कचौड़ी हम एक एक करके हल्का गरम तेल में डालते जाएंगे। इसको हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, ना आप इसे स्पून मारेंगे ना ही आप इसकी कोई छेड़खानी करेंगे। इसी तरह से आप इसे छोड़ दीजिएगा। वो धीरे धीरे क्या होगा, देखिए ऊपर आने लगेगी। देखिए देखिए धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी और धीरे धीरे ये फूलने भी लगेंगे। इस तरह से आप 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। देखिए 4 से 5 मिनट हो चुका है, हमारे कचौड़ी लगभग सारे फूल के ऊपर आ चुके हैं। तो अब इसको मैं एक स्पून की सहायता से धीरे धीरे इसको पलटूंगी। देखिए इस तरह से पलट के इसको भी मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी, फिर इसको भी पलट के 2 से 3 मिनट पकाऊंगी। इस तरह से उलट पलट करते हुए कम से कम 7 से 8 मिनट में आपकी कचौड़ी बनके तैयार हो जाएगी। देखिए अब हमारी फूली फूली, कितनी फूली फूली कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है ना, माशाल्लाह नज़र नहीं लगेगी। तो फिर इसी चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने सारी कचौड़ी प्लेट में निकाल लिया है। तो फिर ये रहा हमारी कचौड़ी। तो चलिए इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने कचौड़ी रखा है। अब इसको एक साइड करके हम इसमें आलू की करी रखेंगे और इस पर हम थोड़े से फ्रेश धनिया पत्ते से गार्निशिंग करेंगे और थोड़ा सा अदरक जुलियन से गार्निशिंग करेंगे। बारीक कटी हुई प्याज को भी शामिल करेंगे और इस पर थोड़ा सा खट्टी मीठी चटनी को भी शामिल करेंगे, हरी चटनी से भी गार्निशिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा लाजवाब आलू की कचौड़ी और उसके साथ खाए जाने वाली आलू की करी भी बनके तैयार हो गई। तो ये छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करके सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह मैं आप सबसे मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।